हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गल्फ टू इंडियंस। बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। बहरीन के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों, एक्सलेंट सैलरी है, ऑनलाइन इंटरव्यू है, इमीडिएट डिपार्चर है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अंकिता ट्रेवल जो कि टैलेंटारियो करके इसका नाम बदल के रखा हुआ है, जो कि नया नाम अभी रिसेंटली रखा गया है, वैकेंसी को वन बाई वन चेकआउट कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, gulfjobindians.com करे ऑफिशियल साइट है। 1000 से ज़्यादा वैकेंसी अपडेट है, वन बाई वन वैकेंसी को चेकआउट कर सकते हैं आप। जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, सर्विस मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, फैसिलिटी मैनेजमेंट इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट है, प्लम्बर मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी मेंशन किया गया है। यदि आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, वीडियो को 4 डॉट पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज करेंगे, आपको नेसेसरी वीडियो प्रॉपर दिखाई देगी। रोमानिया के लिए यूरोप के लिए रिक्वायरमेंट है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। हैवी ड्राइवर के लिए 750 से 850 यूरो की सैलरी है। CNC ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, जो कि इसका वॉल्क इंटरव्यू 17-18 जनवरी तक चलने वाला है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली अप्लाई करें दोस्तों। जो कि मैं अभी रिसेंटली दोस्तों पैड सर्विस भी स्टार्ट किया हूँ, जो लोग को भी पैड सर्विस चाहिए मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा दोस्तों। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ओनली वही कॉन्टैक्ट करें दोस्तों। ओनली हेलो हाय के लिए दोस्तों प्लीज़ ना कॉन्टैक्ट करें, कॉल करके टाइम अपना भी और मेरा भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें प्लीज़। यदि आप सच में इंटरेस्टेड हैं तभी आप इंटरेस्टेड हैं। जिन लोग को भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेटर CV के रिगार्डिंग जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, वो डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि लिंक में दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे हेलो आए मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेरीज है पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों पैड सर्विस है ओनली। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द लॉजिस्टिक कंपनी इन दुबई के लिए रिक्वायरमेंट, इंडोर हेल्पर क्लीनर की रिक्वायरमेंट है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं। लोडिंग अपलोडिंग अनलोडिंग का रिक्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट एजेंसी है। जो लोग जाना चाहते हैं ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं आप। UI के लिए दोस्तों रिक्वायरमेंट है, फॉर द मेंटेनेंस मॉल एंड होटल है, हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली अप्लाई करें। बेंगलुरु में 27 जनवरी को, बेंगलुरु में 28 जनवरी एंड 29 जनवरी को रिक्वायरमेंट है, जो कि मुंबई में 1 फरवरी का इसका इंटरव्यू चलने वाला है। शॉर्ट लिस्टिंग आप करवा सकते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करवा के इसके बाद, क्योंकि ये जो ऑफिस है दोस्तों ठीक ऑफिस है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि AM और फिज करके कंसल्टेंसी है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। AM और फिज का एड्रेस दिया हुआ है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दोस्तों ऑयल एंड गैस शटडाउन प्रोजेक्ट है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, सऊदी अरबिया के लिए प्रोजेक्ट है, जो कि प्लानिंग इंजीनियर, प्लानर मैकेनिकल, QC इंजीनियर, QC इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट है, जो कि API बेस्ड C-SWIFT वेरिफिकेशन होना कंपलसरी है। अप्लाई करने से पहले ज़रूर एक बार ऑफिस के बारे में इंक्वायरी कर लें। जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि मार्केट में बहुत सारा स्कैम चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, तो प्लीज़ सावधान रहें, एजेंट से बच के रहें, एजेंट से कभी भी ना जाएं। नाइजीरिया अफ्रीका के लिए रिक्वायरमेंट है, बिलिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा BE होना कंपलसरी है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना कंपलसरी है, जो कि ऑयल गैस का। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है दोस्तों, ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये मैं एजेंट को प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन दोस्तों जो एजेंट है ये कोई दिक्कत नहीं करेगा, ना ही मेरा कोई स्पॉन्सर है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। हालांकि ये ऑफिस वाला काम करवा देता है नाइजीरिया के लिए। जो ये कंपनी है दोस्तों, एक इंडियन कंपनी है जो अफ्रीका में, इसका काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट चलता रहता है। यदि इंटरेस्टेड हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पैसा पहले नहीं देना है, जैसा कि मैं दोस्तों किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, सिर्फ मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। जो लोग जाना चाहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसका ऑफिस भी है, लेकिन इसने ऑफिस क्यों मेंशन नहीं किया, इसके पीछे का क्या लॉजिक है मुझे पता नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका ऑफिस भी है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर सऊदी अरबिया के लिए रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट कंट्रोलर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, जो कि ये वैकेंसी MGhiwala ग्लोबल HR ऑफिस में आई है। ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया गया है, डायरेक्टली ऑफिस में विजिट करके अप्लाई करें। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है अभी ओमिक्रॉन COVID-19 की वजह से, इतना रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से प्लीज़ आप ऑफिस में विजिट करके ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि दोस्तों घर बैठ के ऑनलाइन नौकरी ढूंढना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और ऑनलाइन में जो फ्रॉड हैं दोस्तों काफ़ी उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आपका एडिट करके वीज़ा टिकट दे दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। प्लीज़ सावधान रहें इन चीज़ों से। यदि आप हमारी डेली बेसिस से वीडियो देखते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा।
दुबई शटडाउन के लिए 3 मंथ का शटडाउन है, जो कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन ITI होना कंपलसरी है, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी जाना चाहते हैं अंकिता ट्रेवल कंसल्टेंसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये भी ऑफिस दोस्तों काफ़ी ट्रस्टेड ऑफिस है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ही अकॉर्डिंग नहीं, जो लोग भी जाते हैं उनको पता है अंकिता ट्रेवल ऑफिस जो ऑफिस है काफ़ी अच्छा है, जो ज़रूर अप्लाई करें आप। अर्जेंट हायरिंग फॉर द लीडिंग कंपनी सऊदी अरबिया के लिए रिक्वायरमेंट है, डाई कटिंग मशीन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, फोल्डिंग ग्लोजिंग मशीन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। सुमन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस है, जो कि दिल्ली का एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सुमन HR ऑफिस के, डायरेक्टली ऑफिस में विजिट करके ही अप्लाई करें। दोस्तों किसी भी कंसल्टेंसी में अप्लाई करें, यदि आपका इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के बाद ऑफ़र लेटर आ जाता है, एक भी पैसा ऑफ़र लेटर आने के बाद भी आपको नहीं देना है, जब तक आपका फाइनली वीज़ा नहीं आ जाता है उसके पहले एक भी पैसा आपको नहीं देना। यदि कोई भी पैसा मांग रहा है तो आप समझ सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो ये ऑफिस अच्छा नहीं है, क्योंकि विदाउट वीज़ा पैसा किस बेस पे मैं दे सकता हूँ? ये कोई यूरोप की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये दुबई की, ओमान की या फिर गल्फ़ की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको 5 to 10 lakh रुपीज़ देना है जो कनाडा के लिए जाना है, तो इतना पैसा देना पड़ता है आपको पता होगा मार्केट में, तो फिर एडवांस एक पर दिया जाता है। बट इसमें तो गल्फ की रिक्वायरमेंट में 40 to 50 thousand मैक्सिमम सर्विस चार्ज होता है, हालांकि ये भी फ्री होता है, लेकिन कंसल्टेंसी वालों का खुद का अपना जो भी एक्सपेंशन होता है, बहुत सारी चीज़ें खर्च करते हैं, तो अब उनकी एक अपनी लॉजिक है। अभी इनिशियल बातें मैं क्या बताऊँ आपको। UAE के लिए दोस्तों रिक्वायरमेंट है, रिगर की रिक्वायरमेंट है, सैलरी 1700 dirham है, फ्री फूड अकोमोडेशन है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर अप्लाई करें। रिपोर्टेड कंपनी सऊदी अरबिया के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों, एलुमिनियम फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट है, ऑल कैंडिडेट मस्ट है टू मिनिमम 4 to 5 years का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करें, गल्फ एक्सपीरियंस है आपके पास तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। असमेक्स ऑफिस में रिक्वायरमेंट आई है, असमेक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा ऑफिस है, ट्रस्टेड ऑफिस है। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी मेंशन किया गया, देख सकते हैं नीचे। ऑफिस में विजिट करके अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। यदि वैकेंसी इस वीक नहीं आती है तो नेक्स्ट वीक आती है, हालांकि अभी के डेट में दोस्तों वैकेंसी बहुत कम आ रही है। प्लीज़ यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को फास्ट में सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो को आप शेयर नहीं करते, वीडियो दोस्तों 2 to 3 thousand लोग देखते हैं लेकिन वीडियो पे 50 लाइक भी नहीं आते, प्लीज़ यदि आप वीडियो पे ट्रस्ट करते हैं मुझ पे तो डेफिनेटली वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरीके। दोस्तों वीडियो लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता आपका, ना ही मुझसे कुछ मिलता है, लेकिन लाइक करने से हमारे जो चैनल की अथॉरिटी इंक्रीज होती है, बस यही होता है। इसके लिए आपसे लोग से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ हमेशा, काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो लोग दोस्तों जेलस होते हैं, काफ़ी गलत कमेंट करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं कितना अच्छा काम करता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है मार्केट में इतना सारा स्कैम। दोस्तों नॉर्मली मैं 1 month में कम से कम 5 to 10 लोगों का पैसा सेविंग किया हूँ अभी तक, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा फर्जी स्कैम चल रहा है। जो आपने कनाडा की रिक्वायरमेंट आपने देखी होगी व्हाट्सअप पे या फिर किसी ग्रुप में या फिर फेसबुक ग्रुप में, दोस्तों सारा स्कैम है, बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग चला रहे हैं। और फेसबुक पे भी दोस्तों बहुत सारे चैनल हैं जो कि दूसरे का प्रमोशन करते हैं, पैसा लेके दोस्तों उनकी प्रमोशन करते हैं, तो प्लीज़ सावधान रहें उन लोगों से, किसी भी प्रमोशन वाले पे ना जाएं जब तक रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी ना हो, तब तक इन चीज़ों का ध्यान रखें। फ्री रिक्वायरमेंट फॉर कतर के दोस्तों काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, 1 by 1 वैकेंसी को रीड करें, वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है gulfjobindians.com करके ऑफिशियल फाइड है, जहाँ पे आपको वैकेंसी अपडेट मिल जाएगी, जो कि प्ले स्टोर में हमारी एप्लीकेशन भी है गल्फ जॉब असाइनमेंट न्यूज़पेपर करके, जो कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। दुबई UAE के लिए रिक्वायरमेंट है, जो कि UAE दुबई में ही होता है आपको पता है, मेल क्लीनर, फीमेल क्लीनर, मेल सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं HR इंटरनेशनल करके कंसल्टेंसी है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी मेंशन किया गया है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। एनी नेशनैलिटी, कतर के लिए रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक लिफ्टर टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, नासिर कंसल्टेंसी में रिक्वायरमेंट आई हुई है, 1984 का रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो इसके अकॉर्डिंग काफ़ी पुराना ऑफिस है, तो ज़रूर आप अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले दोस्तों एक बार ऑफिस में विजिट करें, सर्विस चार्ज जो भी के प्रोसेस है सारा पता कर लें, तभी अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों पुराने ऑफिस, हालांकि 1984 के ऑफिस में मैंने सुना नहीं है कोई फ्रॉड करता है, लेकिन अभी नया नया आपको पता है स्कैम चल रहा है मार्केट में। और मुंबई में दोस्तों दिल्ली, कोलकाता, जमशेदपुर, बिहार, बहुत सारी एजेंसियां हैं जहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, तो प्लीज़ सावधान रहें, बच के रहें, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचना चाहिए। दोस्तों कतर के लिए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, बहुत ही लंबी रिक्वायरमेंट है, हर जगह ये रिक्वायरमेंट चल रही है, जिसका इसका सैटरडे 15 January and 16 January
17 जनवरी तक इसका इंटरव्यू चलने वाला है। लाइट ड्राइवर की रिक्वायरमेंट 300 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इंडियन लाइसेंस एक्सेप्टेड है। यदि आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने एयरपोर्ट में काम किया हुआ है, थोड़ा लिखना पढ़ना आपको आता है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अभी मुझे एक फ्रेंड ने कमेंट भी किया था कि ये जो है थोड़ा रीडिंग इंग्लिश मांग रहा है, तो फिर इंग्लिश बेसिक होनी चाहिए आपको। यदि आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है तो आप, हो सकता है आपका ज़रूर हो जाए, आप ज़रूर ट्राई करें। कतर के लिए दोस्तों रिक्वायरमेंट है, जो कि ये रिक्वायरमेंट दोस्तों एशिया पावर ऑफिस में रिक्वायरमेंट आई है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं डायरेक्ट एशिया पावर ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ विजिट कर सकते हैं। वहाँ से asiapower.in करके इसका ऑफिशियल साइट है, वहाँ विजिट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एशिया पावर की जो रिक्वायरमेंट है, अभी रिसेंटली दोस्तों 1 वीक से कोई रिक्वायरमेंट न्यू नहीं आ पा रही है। ये जो जितनी भी वैकेंसी दोस्तों मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ऑफिशियल पेज के द्वारा, तो मैं दोस्तों उसी अपडेट आपको बताता रहता हूँ। जो असाइनमेंट अपलोड टाइम न्यूज़पेपर है दोस्तों इस वीक नहीं आया, जैसे आपको पता है कि कोविड की वजह से इतनी सारी रिक्वायरमेंट नहीं आ पा रही है। कतर एयरपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, कस्टमर केयर एजेंट की रिक्वायरमेंट है, लाइट व्हीसल ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट दोस्तों एसमेक्स ऑफिस में आई हुई है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं एसमेक्स ऑफिस में विजिट करें, अप्लाई करें। ये दोस्तों वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं, स्पेशली आपको थैंक यू सो मच बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो ज़रूर आप इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों 1-2 मिनट वीडियो देख के दोस्तों आपको सारी नॉलेज नहीं मिल जाएगी, और ना ही आपको एक दिन में दुबई में, कतर में, गल्फ़ में कहीं जॉब मिल जाएगी। जॉब के लिए दोस्तों पेशेंस रखना होगा, डेली अप टू डेट रहना होगा। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब पैड सर्विस लेते हैं तो आप डायरेक्टली, आपको मैं सारे प्रोसेस बताता हूँ, कैसे अप्लाई करना है, वीज़ा कैसे चेक करना है, कहाँ से चेक करना है, सारी चीज़। हालांकि मैं यूट्यूब पे भी बताता रहता हूँ, लेकिन आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करेंगे, फ्रेशर हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ताकि आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।